सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपकी सेवा में फिर एक बार श्री नारायण उपस्थित हो गया है लेकर आज के दिन विशेष जो है 6 मई के, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का सवाल और आज का सुविचार, तो ज्ञानवर्धक, रोचक, मनोरंजक जानकारियों से भरा एक ही पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहले आज का सुविचार। सुविचार यह है, अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसिए, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव देता है। जी हाँ, फिर एक बार आज का सुविचार, बहुत ही बढ़िया सुविचार है, अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसिए, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव देता है। तो ये हुआ आज का सुविचार और आज का अब सवाल। सवाल हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, नाखून काटते समय हमें पीड़ा क्यों नहीं होती है? जी हाँ भाई, अगर उंगली कटे या कुछ कटे तो हमें पीड़ा होती है, लेकिन नाखून हम काटते हैं तो हमें पीड़ा क्यों नहीं होती है? इसका कारण बताइए। तो चलिए सोचिए और ढूंढिए, कारण अगर ना मिले तो अंत तक वीडियो देखने का कष्ट उठाइए, अंत में आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, चलते हैं अगले पदान पर, जहाँ पर है आज विश्व नो डाइट दिन। जी हाँ, आज विश्व नो डाइट दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज का दिन विशेष, जिसमें सबसे पहले 6 मई के ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार के शासकों को पराजित किया। 1536 में हेनरी अष्टम, इन्होंने हर चर्च में बाइबल रखने का आदेश दिया। 1733 में 33 पहला विश्व बॉक्सिंग मैच खेला गया। 1804 में ब्रिटेन ने सूरीनाम द्वीप खरीदा। 1833 में 33 जॉन डेरे, इन्होंने इस्पात का पहला हल बनाया। 1835 में यानी 35 में अमरीकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेरॉल्ड का प्रकाशन शुरू हुआ। 1841 में जोसेफ स्टालिन रूस के प्रधानमंत्री बने। 1910 में जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के गद्दी पर बैठे। 1944 में महात्मा गांधी जी पुणे के आगा खान पैलेस से रिहा कर दिए गए। 1967 में जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। 1997 में फ्रांस की क्रिस्टीन जेनेन, ये महिला है, इनका महिला का नाम है ये क्रिस्टीन जेनेन, ये ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला रही, ध्रुव पर पहुंचने वाली, और वो भी पैदल। 2004 में चीन ने सिक्किम को भारत का अंग माना। 2007 में फ्रांस में राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी, इन्होंने चुनाव जीते। 2010 में गुडलक जोनाथन नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। 1542 में सेंट फ्रांसिस जेवियर तत्कालीन पुर्तगीज ओल्ड गोवा पहुँचे। 1818 में राजधानी रायगढ़ के लिए लड़ते हुए बाजीराव पेशवे जी की पत्नी वाराणसी बाई को अंग्रेजों ने हराया। 1889 में पेरिस में आइफेल टावर का उद्घाटन हुआ। 1949 में EDSSE पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संचित सॉफ्टवेयर शुरू हुआ। 1997 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को स्वायत्तता दी गई। 1999 में महाराष्ट्र में सभी कृषि विद्यापीठ में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। 2001 में पोप जॉन पॉल द्वितीय
सीरिया के एक मस्जिद को भेंट देने वाले पहले पोप रहे। 2002 में भूपेंद्रनाथ कृपाल भारत के 31वें राष्ट्र न्यायाधीश बने। 2008 में अजमल कसाब इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब देखते हैं कुछ जन्मदिन 6 मई के। ऑस्ट्रियन आधुनिक मानस शास्त्रज्ञ और आधुनिक मानस शास्त्र के जनक सिगमंड फ्रॉइड, 1856 में इनका जन्म हुआ था। पॉलिटिशियन मोतीलाल गंगाधर नेहरू, 1861। संगीतकार गायक पुराने जमाने के हैं ये, बोलो सी रानी, 1920। प्रसिद्ध महिला तबला वादक, और ये पहली महिला तबला वादक है तथा संगीतज्ञ और गायिका भी है, जिनका नाम है डॉक्टर अबन मिस्त्री, 1940। लेखिका वीणा चंद्रकांत गवानकर, 1943। भरतनाट्यम नर्तिका तथा नृत्य दिग्दर्शिका लीला सैमसन, 1951। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और मजदूर पार्टी के अध्यक्ष टोनी ब्लेयर, 1953 में इनका जन्म हुआ। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित तैराकी खजान सिंह, 1964। उद्योगपति विष्णुहरि दालमिया, 1924। भारत के 30वें सर न्यायाधीश एसपी भरूचा, 1937। और अभिनेत्री आशावरी जोशी, 1965। तो ये हुए जन्मदिन। अब स्मृति दिन। अमरीकी लेखक और विचारवंत हेनरी थोरो, 1862। समाज सुधारक छत्रपति शाहू महाराज, 1922। पॉलिटिशियन भूलाभाई देसाई, 1946। इटालियन डॉक्टर और शिक्षा तज्ञ मारिया मोंटेसरी, 1952। समाज सुधारक पॉलिटिशियन और शिक्षा तज्ञ रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे, 1966। प्रवचनकार स्वतंत्रता सेनानी आचार्य गोविंद राव गोसावी, 1995। और पुणे विद्यापीठ के जयकर ग्रंथालय के पहले ग्रंथपाल और संस्थापक सदस्य कृष्णाजी शंकर हिंगवे, 1999। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। जी हाँ, इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन भाई सवाल का जवाब, जी हाँ, नाखून काटने हैं ना, तो काटिए भाई, लेकिन काटते समय हमें पीड़ा क्यों नहीं होती, इसका कारण चाहिए था। नाखून काटते समय हमें पीड़ा क्यों नहीं होती है, तो इसका जवाब है, नाखून अपने शरीर का एक अंग है, लेकिन ये मृत कोशिकाओं से बना हुआ है और हमारे रक्त संचार से इसका कोई संबंध नहीं होता है इस नाखून का, इसलिए हमें नाखून काटते समय कोई कष्ट नहीं होता है। तो चलिए बहन भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो के लिए शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो श्री नारायण को दीजिएगा आज्ञा, नमस्कार बहन भाइयों, अलविदा।